सड़क पर रफ्तार मौत बनकर घूम रही है, लेकिन लापरवाह लोगों को मौत से डर नहीं लगता। महेंद्रगढ़ रेवाड़ी रोड पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। रेवाड़ी रोड पर तेज रफ्तार ट्रॉले की चपेट में कार आ गई और कार सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन युवक घायल हैं। कार सवार युवक महेंद्रगढ़ से कनीना की तरफ जा रहे थे, जब ये गांव गुड़ा के पास पहुंचे तो सामने से तेज रफ्तार ट्रॉला आता दिखाई दिया और तेज रफ्तार ट्रॉले ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयंकर था कि कार सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक छोटी गाड़ी में 5 लड़के बैठे थे और ये महेंद्रगढ़ से इधर आ रहे थे उनाणी की तरफ। एक ट्रॉला है, उससे एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 मर गए और 3 घायल है, जो हायर सेंटर का रेफर किया गया है और कब्जे को ट्रॉला को कब्जा में ले लिया है और जांच अभी जारी है। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रॉले को अपने कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक आरोपी ट्रॉला चालक की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कुछ नहीं कह पाई, मगर ऐसे हादसों के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि सड़क पर लापरवाह चालकों के खिलाफ पुलिस कर क्या रही है। महेंद्रगढ़ से प्रदीप, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।